बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस का आज उद्घाटन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो वही गाड़ी है जो रांची से पटना के लिए रवाना होगी। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल से ऑनलाइन हरी झंडी दिखा करके पटना के लिए इसे रवाना किया जाएगा और उसके बाद कल यानी 28 जून से इसका रेगुलर परिचालन होगी। इससे पहले आज रांची स्टेशन पे जो तैयारियां की गई हैं उद्घाटन समारोह का, आपको वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये रांची जंक्शन एक नंबर प्लेटफॉर्म पे पूरी तैयारी कर ली गई है। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद ये बहुप्रतीक्षित ट्रेन का उद्घाटन होगा और एक साथ आज देश को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रहा है, जिसमें भोपाल इंदौर, भोपाल से जबलपुर, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मड़गांव, गोवा यानी कि गोवा से मुंबई तक की सफ़र के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। यह पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें जो देश में जो वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में जानी जाती है और सबसे वीआईपी ट्रेन के रूप में ये माना जाता है और इसको लेकर के कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, आज वो वक्त आ चुका है। हालांकि इस ट्रेन की टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा जो रेलवे के जो यात्री हैं, खास करके जो पटना और रांची से जो सफ़र करना चाह रहे हैं, उनकी नाराज़गी है क्योंकि टाइमिंग कुछ इस तरह का रखा जाए, क्योंकि जनशताब्दी एक ट्रेन जो कि पटना और रांची के बीच जो चलती है तो कहीं ना कहीं समय जो है उसका टाइमिंग कुछ इसी तरह की है। इस वजह से लोगों को ये कहना है कि इसकी टाइमिंग थोड़ा सा इसमें बदलाव किया जाए। हालांकि आज उद्घाटन का मौका है और उद्घाटन के अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ साथ रेलवे कर्मियों में खासा उत्साह है। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना और रांची तक के जो सफ़र करने वाले यात्री हैं उनके लिए दिया जा रहा है और यह गाड़ी सिर्फ 6 घंटे के अंदर में रांची से पटना और पटना से रांची की दूरी को सफ़र करेगा। और जो रूट इसका निर्धारित किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि हजारीबाग बड़काकाना होते हुए ये सफ़र ट्रेन तय करेगी। कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची। ट्रेन में जो फैसिलिटीज यात्रियों के लिए दी गई हैं, उसमें यात्रियों को आरामदायक एहसास दिलाना ये भारतीय रेल की तत्परता में शामिल रही है। देश की शान और प्रगति की पहचान वंदे भारत ट्रेन 2019 में शुरू हुई थी और इसने अपना सफर आज 27 जून 2023 तक किया है और आज जो 5 ट्रेनें खुलेंगी वो मिला के पूरी 23 ट्रेन भारत में चल रही हैं। पहले से 18 ट्रेनें चल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में और आज कुल मिलाकर 5 ट्रेन चलेंगी और 2023 में ये वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 23 हो जाएंगी और ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम गौरव का अनुभव करते हैं कि बिरसा मुंडा की धरती रांची में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि हमें सौगात मिली है रांची पटना ट्रेन वंदे भारत के रूप में। आज 5 ट्रेनें खुलेंगी, रानी कमलापति से इंदौर की ओर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, जिसके हम सभी यहां साक्षी बनेंगे, अपनी आंखों के सामने इसे रवाना होते देखेंगे। चौथी ट्रेन है धारवाड़ से बेंगलुरु और पांचवी है मडगांव से मुंबई की ओर।
भारत की पहली स्वदेशी निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रांसिट के रूप में वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। प्रगति की गति की पहचान दिलाती है। जीपीएस, यात्री सूचना प्रणाली, वाईफाई और सीसीटीवी कैमरों जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों का उद्देश्य आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा का अनुभव कराना है। देश की जान वंदे भारत, विकास की शान वंदे भारत, अपनी पहचान वंदे भारत, और जैसे जैसे हर एक रूट पे वंदे भारत दिए जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है। देखने में भी ये ट्रेन बहुत खूबसूरत है और इसकी स्पीड अभी 130 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित की गई है। हालांकि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा भी जा सकती है, लेकिन अभी इसकी गति सीमा को 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है। ये बांदर, ये शहनाई, ये बिगुल करता है स्वागत, करता है अभिनंदन। ये हमारा स्थानीय कार्यक्रम है और इसमें जब हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संचार माध्यम से यानी ऑनलाइन रूबरू होंगे, उसके बाद रांची मंडल की टीम दक्षिण पूर्व रेलवे स्वागत करती है आप सभी का, अभिनंदन।